निर्मल वर्मा हमारे समय के एक बड़े कथा शिल्पी, इनकी जादुई भाषा पाठक को मनुष्य की स्थिति और नियति के अंधेरे उजले झिलमिल संसार में ले जाती है। परिंदे जलती झाड़ी, चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शताब्दी के ढलते वर्षों में, लाल टीन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, धुंध से उठती धुन, शब्द और स्मृति, कितनी ही कृतियां हैं जिनसे हिंदी साहित्य को समृद्धि मिली है। निर्मल वर्मा का साहित्य यथार्थ स्मृति और कल्पना का एक काव्यात्मक लोक रचता है। महाराज फेरी थी, नीचे पहाड़ों के पैरों पर चांदी की कठोरी सी घाटी चमक रही थी। कुछ दूर तक हम चुपचाप चलते रहे, एक दूसरे के पैरों को सुनते हुए। पोस्ट ऑफिस के पास बांझ के पेड़ के खोकल में चाय का ढाबा बंद पड़ा था, जहां मैं आखिरी बार उनके साथ बैठा था। सड़क पास की कोठरी से रोशनी का एक धब्बा बाहर झाड़ियों पर गिर रहा था। मोड़ पर आकर उनके पैर अपने आप रुकने लगे। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ, जहां बिताए गए बचपन का कोई ना कोई अंश इनके रचनाओं में मुखर रहता है। कवित्री पत्नी गगन गिल के साथ इनके छोटे से संसार में चिंतन के कई संसार समाये हुए हैं। इनका नया उपन्यास अंतिम अरण्य काफी चर्चित रहा और इसी के आसपास इन्हें साहित्य का सर्वोच्च सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी हुई। आलोचकों ने जिन बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, वो मेरे ध्यान में कम से कम चेतन स्वरूप में मेरे भीतर नहीं थे, जैसे कि मैंने किसी विषय को लेकर इस उपन्यास को नहीं लिखा था, चाहे वो मृत्यु हो या बुढ़ापा हो। उपन्यास में कुछ चरित्र और पात्र मेरे दिमाग में आते हैं, उनके अंतर संबंध आते हैं, और फिर उनके उनको लेकर क्या एक कथा बन पाती है, एक पैटर्न, एक संगति में उनके जीवन को बुना जा सकता है, ये मुझे ज़्यादा आकर्षित करता है। तो मैं, क्योंकि मैंने कई वर्ष जैसा आप जानते हैं पहाड़ों पर बिताए हैं, मुझे कई लोगों से मिलने का मौका भी मिला है और उनसे बातें भी हुई हैं, तो कभी कभी ये बात ध्यान में आती थी कि ये लोग जो अपना घर परिवार पुराना अतीत सब छोड़कर पहाड़ों पर आकर बस गए हैं, ये क्या सोचते होंगे अपने जीवन के बारे में, और क्या अकेले में रहकर अपने परिवार से अलग रहकर मनुष्य एक पुरानी जिंदगी की गलतियों को, विषाद को, पछतावे को बिता सकता है, क्या वो सोच और चिंतन के स्तर पर ऐसा परिशोध कर सकता है कि जैसे कि पुराना अतीत एक रफ कॉपी हो और अब वो एक फेयर कॉपी तैयार कर रहा हो अकेले में बैठकर, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या जीवन को अलग अलग रूपों में और अलग अलग फेजिस में लिया जा सकता है? जहाँ तक मृत्यु का प्रश्न है, मैं समझता हूँ चाहे वो युवक हो चाहे अधेड़ व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, मृत्यु हमेशा पास रहती है। ये कहना गलत है कि बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के बारे में अधिक सोचता है और एक युवक कम सोचता है। ये जरूर है कि स्वाभाविक तौर पर मृत्यु के निकट आते हुए वो उतना मृत्यु के बारे में नहीं सोचता जितना कि अपने बीते हुए जीवन की घटनाओं के बारे में अधिक तटस्थ भाव से सोचने के लिए विवश होता है। ये सब चीजें थी मेरे दिमाग में बहुत ही धुंधले कुहासे की तरह। जीवन और रचना दोनों में निर्मल वर्मा स्मृति और कल्पना को बहुत महत्व देते हैं। इनकी रचनाओं में यथार्थ इन दो सिरों के बीच किसी धुंधलके में मौजूद होता है। मानवीय संबंध वहीं सांस लेते हैं। इन संबंधों का इनका चित्रण जितना सम्मोहक है उतना ही जटिल भी। अंतिम अरण्य को अधिक आध्यात्मिक माना गया है, इसको
उसका परिवेश, उसका चिंतन, उसके पात्रों के बारे में जो चीज मुझे विस्मय में डालती है, क्योंकि एक तीसरा सुख या एक अर्थ में मेरे दूसरे उपन्यास जैसे लालटेन की छत है या रात का रिपोर्टर है, उसमें जीवन और अस्तित्व के सच्चाई या झूठ के बारे में एक तरह से घटाटोप अनिश्चय हर पात्र के भीतर मौजूद रहता है। वो उसे सहलता है, वो उसे सुलझाने की कोशिश करता है, और मैं समझता हूँ उपन्यास में यही आध्यात्मिक अंतर्द्वंद होता है। ये आध्यात्म का मतलब ये नहीं कि वो किसी खास धर्म या धार्मिक विश्वासों के पीछे जाता है या उनका अनुकरण करता है, बल्कि अपने अस्तित्व के बारे में उसके सत्य और उसकी खोज, सत्य की खोज में वो कहाँ कहाँ भटकता है, कहाँ कहाँ गलती करता है, कहाँ कहाँ दूसरों के साथ फरीद करता है। जब हम कहते हैं मनुष्य का जीवन अधूरा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अधूरा जीवन जीता है, लेकिन उसका जीवन केवल वही नहीं है जो वो जीता है। उसकी कल्पनाएं, उसके आदर्श, उसके आइडियल, वो सब इस अधूरेपन की भी करते हैं। वो भी उसके अस्तित्व का उतना ही अभिन्न अंग है जितना कि उसकी दैनिक दिनचर्या, जो उसे अधूरा बनाकर छोड़ दे। इसलिए हम कहते हैं कि कथा रचना की का जीवन कल्पना के बाद इमेजिनेशन, और कल्पना ही तो कल्पना का जन्म होता है। और यथार्थवादी कल्पना मनुष्य को अधूरा यथार्थ है जिसमें उसके स्वप्न, उसके आदर्श जीवित रहते हैं, और वो भी उतना ही गहरा मानवीय सत्य है जितना उसका अधूरा जीवन। मैं समझता हूँ कि इसीलिए कला, चाहे वो चित्रकला हो, पोइट्री हो, उपन्यास हो, वो इस कल्पना के की धरा पर उसकी अपूर्णता को एक तरह की संपूर्ति देती हैं, एक तरह की संपूर्णता देती हैं। इसलिए हमें पढ़ते हुए किसी महान रचना को या कविता या उपन्यास को पढ़ते हुए हमें कभी कभी ये दुर्लभ अनुभव होता है कि हाँ, ये संभावनाएं जो मेरे भीतर अधूरी पड़ी हुई थी, वो इस कविता या इस उपन्यास के माध्यम से एक चरम अनुभूति और संपूर्ति का अनुभव या स्पर्श कर पाते हैं। निर्मल वर्मा पिछले 50 वर्षों से अपने जादुई भाषा शिल्प से साहित्य में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। इस जादुई संसार की रचना प्रक्रिया भी आसान नहीं है। जब हम स्मृति या कल्पना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं भीतर ये भ्रम रहता है कि ये चीजें ठोस यथार्थ की दुनिया से कुछ अलग, कुछ ऊपर, कुछ भिन्न किस्म की चीजें हैं। मेरे दिमाग में कभी ये बात नहीं आती कि ये अलग चीजें हैं। मेरे लिए वे यथार्थ का उतना ही बड़ा अंग है जैसे सड़क पर खड़े होकर बस की प्रतीक्षा करना, या अपने रोते हुए बच्चे को दुर्राना या उसे चुप कराने की कोशिश करना, या रात को सोते हुए बीते हुए शहरों की याद करना। मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता कि 24 घंटे जो आदमी बिताता है बस की प्रतीक्षा करते हुए परिवार के साथ, वो सब वही है जो वो ऊपर से करता है। बच्चे को दुर्राते हुए उसकी स्मृति में पता नहीं कितने पुराने ख्याल आते रहते हैं, जबकि वो उसे काम उत्सव एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में कर रहा है, रोते हुए बच्चे को चुप करा रहा है। उसी तरह से अगर आप बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो पता नहीं आप अपने जीवन में उन 10 मिनटों में या 15 मिनटों में कितनी दुनियाओं का चक्कर लगा कर आते हैं, और बाद में भूल जाते हैं जब आप वो बस आ जाती है। और ज़रा आप सोचें बस में बैठ कर, ज़रा आप सोचें कि जब मैं खड़ा हुआ था तब मैं क्या सोच रहा था, तो आपको अद्भुत विस्मय होगा कि आप बस के बारे में नहीं सोच रहे थे, आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जिसका ना बस से संबंध था ना दफ्तर से संबंध था। ये बिल्कुल स्वप्न की तरह है जब
आप सुबह उठती हैं और आपको लगता है कि आपने तो स्वप्न में वो घर देखा था जो कि कहीं अल्मोड़ा और नैनीताल में मेरे बचपन का मकान था, जहाँ पर आपने बचपन गुजारा था, जबकि दिन के उजाले में आपने कभी उस घर के बारे में सोचा भी नहीं था। किस तरह से वो घर चोर दरवाजे से सेंध लगाकर आपके स्वप्न में आ जाता है, इसकी क्या व्याख्या है, इसका क्या रहस्य है? मैं समझता हूँ साहित्य और कला का जादू यही है कि हम जीवन में जो कटघरे और जो दीवारें खड़ी करते हैं, ये कल्पना का क्षेत्र है, ये स्मृति का क्षेत्र है, ये यथार्थ का क्षेत्र है, ये दीवारें सहसा एकाएक ढह जाती हैं। मैं समझता हूँ कि भाषा, अर्थ, परिवेश और शब्दों का सत्य अगर ये नहीं है तो वो समूहन झूठा है, वो छलना है, और वो बहुत जल्दी उसका जाल, माया जाल बहुत जल्दी टूट जाता है। कितनी छायावादी लेखकों का समूहन हम पर छाया रहता था, आज हम उसे पढ़ते भी नहीं हैं। एक